भैया राम राम आप और अपने करें भूल देने की हमें लागे रुके दे दिया मैं तो योगी है ये तो ही मेरा कि लाइफ की है क्या ऐसी कहाँ है मामला क्या है कहानी सुनो की नहीं की जो बानी कहाँ से आई हम तिलवा से आए थे तिलवा से कहाँ होगा ऐसे कहाँ चला तो हमारी जमीन पर तो खड़ी लग पूरी और हमको मार पिटाई कर रहे हैं और लैके कट्टा आ रहे हैं हम निकल नहीं पा रहे हैं घर से हमको जब लगती है जब हमको निकले हैं और अरबे या तो मारने के लिए फिर लिया है और पक्का पक्का या तो मारने के लिए कढ़ाई पीजा कढ़ाई का नाम है खबर करके आइए हमें यहाँ पर टी आई साहब के पास और कोतवाली के पास में चार बार आवेदन दे चुका हूँ मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसमें मैं तो एस पी साहब से चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई की जाए और इसका जिला बदल भी है अरविंद यादव का तो भैया गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद यादव हिस्ट्री सीटर जिनकी जिला बदल की कार्रवाई भी हो चुकी है लेकिन मचो का है आखिर जिला बदल को अपराधी खड़े जा रहा हूँ खड़े जाके जान के मारने की धमकी दे रहा हूँ वो घर जाएंगे तो वो कहते थे हम जान से मार देंगे वो कट्टा लेकर आए थे हमारे छाती पर भी रखा है उनने और चार दिन से हम घर नहीं है दूसरे उनके घर में रहते हैं हम कहीं भी बोलो जैसे अपन बोला भाषा में बुंदेलखंड चार दिन से घर पर है और चार दिन से हम घर नहीं जा रहे वो घर जाएंगे तो मार देंगे वो कहते थे उनका नाम कटवा दो अपराधियों का किसको नाम कटवा वो दीपक बड़े हलकैया और बक्का का तो जो है भैया उनका धमकी भी दे जा रही घर घुस के कट्टा लगा के उनका धमकी दे जा रही वो जिला बदल अपराधी है लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है वो सिविल लाइन से कुतवाली कुतवाली से सिविल लाइन लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही देखो जा सकती है किसान परिवार है गरीब परिवार जिम्मेदार भी है तो पुलिस ऐसे अपराधन में अगर तत्काल हमको लगा न हो जाए तत्काल रोक लगा दे या कुछ पकड़ न हो जाए तो आगे को घटना न करे लेकिन पुलिस इंतजार कर तो कहूँ मरे को कछु हो और आगे हो तो हमें फायदा हो हकीकत जाए इसे जब कार्रवाई करी नहीं जा रही कहाँ कहाँ गए तुम रिपोर्ट कर हम यहाँ पर पी आई साहब के पास भी गए थे और अजन थाने भी गए थे अजन थाने वाला निकाल कोई कहते वहीं से एफ आई दर्ज हो गई वहीं से सुनवाई होगी यहाँ से नहीं होगी सुनवाई टीआई साहब के पास चार बार गए कहते हम पकड़ लेंगे कोई पकड़ नहीं रहा है एफ आई आर दर्ज हुई कि नहीं हुई एफ आई आर दर्ज हुई है लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं गिरफ्तारी नहीं हुई है तो भैया नहीं भाई एक के लाने जो आए हैं एक के लाने आए एस पी साहब से गुहार लगा रहे कि हमें न्याय दो जाए और जो अपराधी है उन्हें गिरफ्तार करो जाए ताकि हमारी जान माल की सुरक्षा हो सके हम अपनी खेती कर सकें और कहने में हलकाई यादव ने मेरे छिया प्रजापति का कुंडा चढ़वाया क्योंकि मेरी ब्याह थी तो मैंने खेत चुकवाया था तो कुंडा आए थे बोले थे खप काट नहीं पाए तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो ऐसी यादें कहते हैं और जब मेरी फसल काटने की होगा तब वही पता याद हम जिन लोगों का नाम लिखवाना चाहते थे उन लोगों ने एफ आई आर में नाम नहीं चढ़ाया है पी आई साहब ने चढ़वाया नहीं पी आई कौन कोतवाली नाम बोलो सिटी कोतवाली जो है भैया सिटी कोतवाली टी आई के ऊपर सीधो सीधो आरोप लगाओ जा रहे हैं धन सिंह नलवैया है टी आई उनके ऊपर जो आरोप लगाओ जा रहे हैं जैसे इनको कहवो है कि टी आई साहब ने बेनाम नहीं लिखे सबके बात पते की कि जात विशेष की राजनीति तो गुंडागर्दी इस टाइम पे कछु ज्यादा हावी है कछु ज्यादा ही हावी हो रहा हूँ सफेद पोष नेतन को हाथ धरो नेता नगरी उमे हावी रहा सरकार फोन लगाए जाती तो अपना हावी
तो धिक्कार है ऐसी नेतागिरी का कि एक जात से दूसरी जात का मरवाओ और कहूँ कार्रवाई ना हो गरीब परिवार गरीब किसान मारो मारो करे तो वो दलित मिली की लाइफ स्थिति हमें उम्मीद के संगे खत्म कर रहे हैं भी वहाँ पर देख के भी भगे आए पुलिस वाले पकड़ा नहीं है अरविंद यादव ममता यादव को मोड़ का हम शाम को 7 बजे पुलिस पहुँची है हमको लुवाने के लिए जब 10 बार फोन लगाए तब पुलिस आई है हमको घर से निकालने के लिए जो है भैया पूरा परिवार घर में बंधक की जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ अब घर नहीं जा पा रहा अब उनको कहबो है अरविंद यादव विशेष तौर जी को नाम ले रहे अब कहबो है कि अगर तुमने कछु करो तो बोल यही उम्मीद में एस पी साहब के आए हैं कि हमें न्याय मिले बुंदेली चुगली की जो लाइफ की चीजें समाप्त कर अभी तब तक खिलाने राम राम।